Hey guys, what's up and welcome to the one more new episode of Time Traveler. और आज मैं आया हूँ अपने कॉलेज. दिस इज़ माई कॉलेज DME. एंड बहुत लोगों की क्वारीज थी कि मैं किस कौन सा कोर्स किया है, कौन से कॉलेज में था. तो आई डिड BJMC, इट्स बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन फ्रॉम दिस ब्यूटिफुल कॉलेज DME, एंड जो कि अफिलिएटेड है IP यूनिवर्सिटी से, GGS IPU, गुरु गोविंद सिंह IP यूनिवर्सिटी. सो फाइनली आई गॉट माई डिग्री, असली वाली डिग्री फ्रॉम दिस कॉलेज. और आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि कॉलेज कितना बढ़िया है और यहाँ पर आप क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हो. इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, तो ये कॉलेज आपका कितना बेनिफिट करवा सकता है और कितना अच्छा एक्सपोजर दे सकता है आपको, आपके करियर को एक अच्छा रास्ता दिखाने के लिए. सो लेट्स गो विद मी एंड लेट्स हैव अ टूर ऑफ DME IP यूनिवर्सिटी. आज मिली है हमें अपनी डिग्री 3 साल बाद. और हमारे साथ हैं स्नेहा. से हाय टू माय कैमरा. हाय स्नेहा, हाउ आर यू? ऑल गुड. कैसा मजा आया कॉलेज आके? मेमोरीज रिवाइव हो गई बहुत ही ज्यादा. मतलब डेजा वो हो रहा है कि वापस से जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा. बस बैग मिसिंग है हमारा जिसमें हमारी बुक्स होती थी. बाकी उसके अलावा वी हैव अ डिग्री. अपनी डिग्री दिखाइए. ये बिल्कुल, ये व्हाइट हाउस नहीं है, ये DME है. हाँ. तो धोखा मत खाइएगा. और हमारे साथ है निशांत कश्यप. हेलो निशांत कश्यप, हाउ आर यू ब्रदर? कैसा मजा आया ब्रो डिग्री ले? 3 साल बाद डिग्री हाथ में पकड़ रहे, ऐसा लगा कि जन्नत मिल गई. और क्या क्या सीखा इस BJMC की जर्नी में? जिंदगी बनाना, स्ट्रगल करना, स्ट्रगल से ऐसे जीत के बाहर निकलना. मैंने जीतना सीखा BJMC करके. बिग लाइन. यहाँ के बालक भी हैं, ये फर्स्ट ईयर के बालक हैं. यहाँ पे स्टेज शो होते हैं. ये हमारा ग्राउंड. ये ग्राउंड था. दिस वाज टॉकिंग पास्ट टेंस. हाँ, प्रेजेंट में आने की जरूरत है क्या? इस प्रेजेंट में. और काफी अमेजिंग. पीछे वाली बिल्डिंग अपनी नहीं है, ये दूसरी है. अपनी वाली बिल्डिंग ये है, पीछे हमारा क्लासरूम भी था. तो अभी हम पूरा अंदर का टूर भी कराएंगे. फुल पावर तो चलने वाले हैं गाइस ऊपर. सो दिस इज आवर ब्यूटीफुल कैंटीन. वाओ, एंड दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. यस यस एग्जैक्टली. हमारे टाइम में CCD हुआ करता था. यहां पे 150 की कॉफी मिलती थी, जहां पे 100 का ग्लास था. आज यहां पे नेस्कैफे हो चुका है. ऐसा कॉलेज कहां मिलेगा जहां पे कॉफी भी मिलती है. वाओ, हैव अ सिप एंड टेल मी द टेस्ट. चाय का टेस्ट क्यों आ रहा है मुझे? धोखा हो गया भैया. कॉफी की मशीन में चाय निकल रही है. पानी भैया, तेरे को कोरोना हो गया, तेरे को टेस्ट आना बंद हो गया है. इससे दूर हो जाओ, इसको कोविड है. इसको टेस्ट वेस्ट नहीं आ रहा है कुछ भी. जब टेस्ट चला जाता है ना जुबान से और कोरोना हो जाता है तो अच्छे से ले. नो भाई चल, कोई नहीं, पानी सही, गर्म पानी पी के पेट साफ हो जाएगा थोड़ा. कोरोना में गले को बहुत ये होती ही पानी भरी है. सो डू यू लाइक दिस कॉफी और होममेड कॉफी? और आई वुड ऑलवेज प्रेफर होममेड कॉफी. दिस इज व्यू फ्रॉम आवर कैंटीन. यहाँ पे टेबल चेयर लगेगा तो और भी मज़ेदार हो जाएगा. काफ़ी बढ़िया कैंटीन है. अभी कोरोना की वजह से यहाँ पे बच्चे कम हैं तो यहाँ पे अभी खाना वाना भी नहीं बन रहा. और इफ़ यू विल कम इन दिस कॉलेज और यू आर प्लानिंग टू गेट एडमिशन इन दिस कॉलेज, तो आपके आने तक यहाँ पे बिल्कुल तक कुछ रेडी मिलेगा. तो आइए दूसरी जगह पे चलते हैं. आइए आपका इंतजार था. ये सबसे बेस्ट थिंग है इस क्लासरूम की, यहाँ पे धूप आती है और यहाँ पे एसी लगा हुआ है.
एसी ये वही बच्चे हैं जो घर से कॉलेज बस एसी के हवा खाने आते थे। व्यू दिखा देते हैं भैया क्लासरूम से, वाओ व्हाट अ ग्रेट व्यू। ये कॉलेज के बालक हैं। ये हमारे अपकमिंग यूथ हैं जो कि काफ़ी खुश हैं डीएमई में आके। अगर आप भी इसमें एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हो तो आइए और ऐसे ही खुश रहिए रहिए। अश्नेहा अगला टूर कहाँ का होने वाला है? मुझे क्या पता भाई, हम चल रहे हैं हमारी पुरानी क्लासेस में। स्टूडियो भी दिखाएंगे हमारे कॉलेज में, वो भी है ना क्रोमा स्टूडियो ब्रो। और आज भी जब ये डिग्री लेके आ गए हैं और तो भी ये सीढ़ियाँ ही चढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब हमने पूरे कॉलेज लाइफ में अपनी सीढ़ियाँ ही चढ़ी है, चाहे वो जिंदगी की हो या कैंपस की। ये एक बहुत अच्छा फोटो स्पॉट हुआ करता है। यस यस यस, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल स्पॉट। डीएमई की स्नैप स्टोरी बना रहे हैं। ओह यार, इंस्पिरेशन ऑफ डीएमई रवि शर्मा। अब बिग शाउट आउट टू रवि शर्मा भाई, इंस्टाग्राम हैंडल बता रवि शर्मा। रवि शर्मा यही है सर, रवि शर्मा ही है, यू कैन फाइंड हिम। अरे रवि शर्मा इंस्टा हैंडल डॉट डॉट कुछ नहीं? नहीं नहीं, रवि शर्मा RAVVI शर्मा। वाह, तो दिस इज रवि शर्मा, इंस्पिरेशन ऑफ आर डीएमई, अ वेरी ब्रिलियंट फोटोग्राफर, एक्स डीएमई फ्रेम प्रेसिडेंट। और यहाँ पे काफ़ी क्रिएटिविटी भी है बच्चों की, क्योंकि फ्रेम करी गई है, ब्यूटिफुल शॉट्स। द टेम्पल ऑफ आर कॉलेज। हाँ ये भी चेंज कर दिया थोड़ा इनका, इसी का लाइब्रेरी। ये हमारे लाइब्रेरी वाले सर हैं, अगर आपको कोई सी भी बुक इशू करानी है टाइम पे बुक वापस करना बहुत ज़रूरी है, वरना फाइन लगेगा आप पे। ये है हमारी लाइब्रेरी, देयर यू कैन गेट द बुक ऑफ लॉ, बीबीए एंड बीजेएमसी, तीनों कोर्सेज होते हैं यहाँ पे। यू कैन सी द लाइब्रेरी सो गुड, हर तरीके की बुक भी मिलेगी, लैब्स भी हैं, पीसफुल है, क्योंकि पढ़ते टाइम आपको काफ़ी अच्छे व्यू की भी ज़रूरत पड़ेगी, ताकि आपको बिल्कुल मिलेगा। तो दिस इज आवर लाइब्रेरी ऑफ डीएमई, हियर यू कैन सिट एंड स्टडी। उसने हम मजा आ रहा है क्या? हाँ कि बढ़िया कर दिया और ज़्यादा। अब हम दूसरी जगह पे मिलेंगे, बाय बाय। बात पहली बार लिफ्ट में चढ़ रहा हूँ। अच्छा क्यों, घर में नहीं चढ़ता? अबे घर तेरे ग्राउंड फ्लोर पे होगा। तो ये बच्चे इसको आईफोन भी समझते थे ना पहले? हाँ चढ़ सकता हूँ। हाँ, एंड वेलकम टू थर्ड फ्लोर। ये सबसे पहला स्पॉट होता था फॉर एवरीबॉडी, वॉशरूम। ड्रिंकिंग वाटर इज हियर, अभी चल नहीं रहा है ड्यू टू कोविड, पर निशांत अपने रिचुअल्स को फॉलो करते हुए थर्ड फ्लोर पे आते ही सबसे पहले वॉशरूम में घुसे हैं। सेक्शन नो नो, इधर नहीं, ये वाला था भाई, इधर था। तो कॉलेज के पहले दिन भी ऐसे ही कंफ्यूज हो रहा था ना जैसे आज हो रहा है। उसकी बिल्डिंग है ना, क्या नाम है?
ये ओरेकल की नहीं थी ब्रो, उसकी थी वो काया की। ओरेकल की भी तो है। और वो वाली IBM की थी जो महिंद्रा टेक हो चुकी है, तो सीधा कॉलेज में आइए पढ़िए और सामने जाके प्लेसमेंट करवा लीजिए अपनी, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज आवर स्टूडियो। यहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं लाइक मीटिंग्स। ये हमारे सर हैं दोनों, दो तीन मीटिंग्स कर रहे हैं अभी। दैट्स व्हाई आई एम स्पीकिंग लिटिल बिट स्लो। एक उस बाहर पे भी है तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, जो भी आप बड़े बड़े टीवी स्टूडियोज में देखते हो, चैनल्स में देखते हो, सबका इंटीरियर कुछ इसी दौरान होता है। नाउ हियर यू कैन गेट मैक ऑल्सो एंड विंडोज टू एंड टू मैनी कैमराज फॉर स्टूडेंट्स फॉर प्रैक्टिस। Let's see you on the another side. Bye. And welcome to our newsroom. Sir, newsroom ही बोलते हैं ना इसको? Studio. लेकिन ये news shoot करने के लिए काफी काम आता है. And जो भी आप देखते हो TV में anchors जो रहते हैं, वो इसी type के studios में रहते हैं. ये बच्चों के practice के लिए बनाया गया. And this is so beautiful. If you are interested in anchoring or if you want to go in TV channels or media house, so this is the best college I must say, जहाँ पे you can do practice for your career and for anything. And वहाँ पे एक Chroma Studio भी है, you can see that Chroma Studio and एक video camera भी है. Wow, this is amazing. यहाँ से कट शॉट करके बैकग्राउंड आप कुछ भी रिमूव करके आप कुछ भी लगा सकते हो. जितने भी बड़े बड़े हॉलीवुड की मूवीज़ आप देखते हो वो सब क्रोमा पे शूट होती हैं, एक्शन सीन्स, और वो यहाँ पे भी हो सकती हैं क्योंकि यहाँ पे है क्रोमा और साथ में है न्यूज़ रूम. एंड बच्चों को बिठाने के लिए यहाँ पे स्पेस भी है, काफ़ी अमेजिंग आई मस्ट से. क्योंकि मेरे टाइम पे नहीं था और मैं यहाँ पे कभी आया नहीं. This is my first time and hope this is looking good. I feel like an anchor. यहाँ पे audience नहीं है, यहाँ पे बस मैं हूँ. But you are the audience who are watching this video. And I must say, if you want to do something exploring in your life, so this course is made for you only. This is called BJMC, Bachelor of Journalism and Mass Communication. बहुत ही exploring कोर्स है, बहुत ही कुछ सिखाया जाता है लाइक मीडिया एथिक्स, मीडिया लॉज, फिल्म मेकिंग, फोटोग्राफी, डिजाइनिंग एंड मैनी अदर क्रिएटिव थिंग्स. सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू समथिंग लाइक दिस, सो दिस कोर्स इज मेड अप फॉर यू. एंड जहाँ पे मैं बैठा हूँ, इस कॉलेज का नाम है दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एजुकेशन. मैंने पूरा टूर आपको कराया है और ये IP यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है. और आज मैं आया था यहाँ पे अपनी डिग्री लेने, जो कि मुझे मिल चुकी है, वहाँ पे रखी हुई है. तो यहाँ के टीचर्स आर सो अमेजिंग, बहुत ही हेल्प करते हैं हर एक बच्चे की. और आई मस्ट से, मतलब जो भी मैंने अपनी ग्रेजुएशन में सीखा वो मैं अपनी डेली लाइफ में बिल्कुल यूज़ करता हूँ. लाइक मैंने फर्स्ट ईयर में डिज़ाइनिंग सीखी, आई एम ग्राफिक डिज़ाइनर एट सोप्रेस्टीरिया. मैंने वीडियोग्राफी सीखी, फिल्म मेकिंग सीखी, फोटोग्राफी सीखी. वो आप इस व्लॉग्स के दौरान देखते ही होंगे. और अगर आप यू आर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम तो यू कैन सी माय फोटोग्राफी वर्क आल्सो और ऑन बिहेंस टू. एंड और फ्रीलांसिंग में प्रोजेक्ट्स भी करता हूँ लाइक वीडियो शूट्स, फोटोग्राफी फॉर कॉर्पोरेट्स एंड मैनी अदर एंटरप्रेन्योर्स लाइक अंकुर वारिको. इफ यू लाइक टू वॉच हिज वीडियो ऑल्सो इफ यू नो हिम. एंड ना और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने सीखी. और ऐसे में गिनवाने बैठा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि जर्नी काफ़ी लंबी थी और बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही मज़ा आया मुझे. और आज तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है बिकॉज जब मैं था तो ये बन रहा था और मुझे पता था कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छा बनने वाला है और किसी दिन मुझे सरप्राइज़ मिलने वाला है. और आज जो सरप्राइज़ मिला वो काफ़ी अमेजिंग था. एंड होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो और subscribe my channel and don't forget to drop your comment if you are in the DME or आप मतलब पहले थे और अब plan कर रहे हो तो please let me know in the comment section. And this is it for today. Hope you will like this video and this will be helpful for you. Okay, bye bye.